डिटरमिनेंट्स के टॉप 10 क्वेश्चंस की पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो रहा ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर वन ये लेते हैं, इफ, देखिए जो लिखा मैं करके दिखाता हूं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है इफ डिटरमिनेंट लिखा है इज इक्वल टू 8, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, इसका हिसाब किताब करते हुए बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमें इसमें एक्सपैंड कर देना है। तो चलिए मैं रो वाइज इसको खोल देता हूं, एक्स से खोल देते हैं, रो वाइज खोल रहा हूं, लिख दीजिए एग्जामिनेशन में एक्सपैंडिंग बाय रो वन, आर वन लिख दीजिए तो भी टीचर समझ जाएगा, सॉल्व करते वक्त ऐसे लिख दिया करिएगा जिससे उसको अंदाजा हो जाए आप क्या कर रहे हैं। अब यहां पर आपने लिख दिया एक्स, आप खोलना जानते ही हैं, मैं यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए वन वन एक्स, फिर आप साइन थीटा पे आते हैं तो आप जानते ही हैं कि माइनस वन माइनस हो जाता है और पावर तो लग गई जानी रहे हैं, वन प्लस टू यानी पावर हो गई यहां पर तीन, और ये रहा साइन थीटा, और इससे जाने वाला रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा और ये रहा एक्स, और तीसरा वाला आ गया कॉस थीटा, फिर से पॉजिटिव और कॉस थीटा लिख दिया है तो रो और कॉलम जाने वाला छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और ये रहा वन, ये लिख दिया है, ये वैसे आप याद करके ही रखते हैं, तो मैं सीधे ही इसको हटा रहा हूं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नजर आए आपको, यहां पे सीधे हम लोग माइनस लिख देंगे, आपको अंदाजा ही है कि ये प्लस माइनस प्लस करके आप याद करके रखते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको फर्दर एक्सपेंशन में लेके चलते हैं बेटा, यहां पर देखिए ओपन कीजिए एक्स और ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स और एक्स मिलके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां आ जाइए माइनस साइन थीटा, इसके अंदर क्या आ जाएगा देखिए आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और बाजू की बात करें तो कॉस थीटा, इसमें आ जाइए थोड़ा सा ऊपर लेना होगा और यहां पर अगर मैं बात करूं तो लिख सकते हो कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन थीटा फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, ये आप जान ही रहे हैं, आगे लेके चलते हैं बेटा, ओपन कर दीजिए फर्दर तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे आ जाइए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, मैं काफी बड़ा लिख रहा हूं जैसे आप समझ जाएं, फैसिलिटी है इसको शिफ्ट किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखें तो साइन कॉस थीटा ये माइनस प्लस का है दोनों उड़ जाएगा, अगली लाइन क्या हो सकती है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से और इसमें से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर वैल्यू बची साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा आप जान रहे थे पूरी वैल्यू किसके बराबर थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 के बराबर, तो ये इज इक्वल टू 8 तो आप लिख ही लीजिएगा, यहां पर कहीं लिख देता हूं वापस, समझदार हैं आप 8 लिख लेंगे, ठीक है साहब आगे लेके चलते हैं, ये कुछ हमारे ख्याल से क्लिक नहीं हो पाया था अभी, ठीक है तो यहां पर लेके आते हैं और रेड कलर यूज करता हूं, तो ये रहा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा अगेन एक्स इज इक्वल टू 8, ऐसे लगा दीजिए साइन। अब यहां माइनस और प्लस देखिए कट गया, अब यहां पे जो वैल्यू आ गई आप साफ तौर पर अगर देखें तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस बात से आप आराम से लिख सकते हैं, यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उम्मीद है फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है याद करके रखिए, यहां पर लिखते हैं ए क्यूब ए प्लस बी एक्स प्लस 8 आ गया, फिर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का क्यूब है तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा माइनस 2x, मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पा रहे हैं, और यहां पे बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इन दोनों टर्म में ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, केवल हमारा एक्स प्लस 8 ही 0 हो सकता है, x प्लस 8 नहीं या x प्लस 2 आना चाहिए था क्योंकि 2 का क्यूब है,
मैं एक बार लिख देता हूं जिससे आपके दिमाग में भी बात चली जाए। ये जो वैल्यू लिखी है ये इसका लिखने का मतलब है एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से बात लिखी गई है। तो यहां पर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां इज इक्वल टू माइनस टू। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और इसका b स्क्वायर माइनस फोर एसी हम चेक कर लेते हैं। तो इसका b कितना हो गया बेटा माइनस टू, a कितना है वन, c कितना है चार। आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट d या डेल्टा से लिखते थे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर, फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू चार। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू डेल्टा निगेटिव आ गई है, चार में से सोलह घटाओगे माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। तो डेल्टा या डी जो भी आप लिखते हैं उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है। तो कोई इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इसके, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो नहीं होगी तो यही जीरो होगी और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टू इज योर आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए बच्चों करते हैं नंबर टू का क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया मजेदार और वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ बातें और मैं एडिशनल बताऊंगा, वो जरूर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। ये दो तीन पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें से एक सवाल आपका आएगा ऐसा मान के चलिए आप। चलिए साहब समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, रेड कलर लेना चाहूंगा। तो इफ लिखा है ए, ये मैट्रिक्स है, इसको ऑर्डर लिखा है 3x3, गिवन है ऑर्डर 3x3, देन फाइंड ए एडजोइंट ए। अब ए एडजोइंट ए को फाइंड करना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए जो आगे काम आएंगी। तो पहली बात मैं यहां छोटा छोटा लिख देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर वन जहां पे लिख सकते हैं ए एडजोइंट ए ये इक्वल होता है एडजोइंट ए इंटू ए, आप जानते होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर एन की ही है, यहां पर चाहे तो आई एन भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ये तो एक प्रॉपर्टी है जिसपे ये सवाल बेस्ड है, मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एडजोइंट की जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल आते हैं। सपोज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ए है जो कि नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है देन हमारा जो एडजोइंट ए होती की वैल्यू साफ, यहाँ पे ये पीछे फोटो है तो मैं सीधे डिलीट नहीं कर सकता वरना उड़ जाता है वो। तो यहाँ पर एडजोइंट ए, अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए कि एडजोइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कलर लगा दूं लेकिन आप इसको, इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है अभी यहाँ भी और जो बच्चे जेई मेन्स में जाते हैं वहाँ भी पकड़ बनेगी इस सवाल पर। तो इफ ए, अब ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, तभी डिटर्मिनेंट का जिक्र किया जा रहा है, तो ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही है, साथ में ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो एडजोइंट ए की वैल्यू, एडजोइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होती है। एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूं मैं आपको, जगह कम पड़ गई लेकिन अगर शिफ्ट नहीं करना चाह रहा हूं तो नंबर तीन प्रॉपर्टी यहां ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी बात को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास के इंटू एडजोइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने की बात की जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं के की पावर एन और ए आ जाता है के की पावर एन और साथ में इसका डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन। ये जो एडजोइंट ए लिखा था बच्चे का एडजोइंट ए और उसकी पावर यही आ जाएगी। तो कहीं भी लिखा हो
डिटर्मिनेंट के इंटू एडजुएंट के कोई स्केलर नंबर है तो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर एन माइनस वन, ये आपको कहानी करनी है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये सवाल इस पे बेस्ड है, आगे भी एक दो मैंने सवाल लिए हैं, लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टी को देखते हुए एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा लगभग मान के ही चलें। खैर, ये मैंने अधिक जानकारी दी आपको जैसे आप समझ पाए, सिर्फ सवाल नहीं लगाना है हमको, तो पूरा फायदा लेना है, समझना है सारी बातें, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। अब इस सवाल का जिक्र करते हैं बेटा, कहीं यहां से लिखते जैसे ऊपर खिसकाएं तो देख पाए, तो साहब आ जाओ। तो यहां पर ए दे रखा था बच्चों, मैट्रिक्स था 2 0 0 -1 2 3 और 3 3 5, बहुत बढ़िया। और हमने को निकालना है ए एडजुएंट ए, ए एडजुएंट ए की कहानी ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ जैसे आपको याद भी रहे और बात पकड़ने में आए। ए एडजुएंट ए जैसे मैंने आपको दिखाया, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, और इसका ऑर्डर आप जान रहे हैं 3 बाई 3 है ही। चलिए इसको ऊपर लेके जाते हैं बेटा, यहाँ रोकता हूँ, अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। हमको एन की वैल्यू 3 है, वो आप समझ गए हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, यानी डिटर्मिनेंट ए चाहिए हमको, तो डिटर्मिनेंट ए निकालता हूँ, लिख देता हूँ 2 0 0 -1 2 3 3 3 5। अब एक बार प्रैक्टिस डिटर्मिनेंट खोलने की कर चुके हैं, इसलिए हम लोग तेजी से खोलेंगे, वैसे भी 2 0 है, बच्चों की तरह खुल जाएगा। तो ये रहा 2, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 5 2 2 3 3 5, 5 2 10 -9, बाकी 0 0 है तो उसका खेल खत्म ही हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ए एडजुएंट ए, ए एडजुएंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 एन इज इक्वल टू 3 है ना, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैट्रिक्स में इस 2 से मल्टीप्लाई मार दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा कल्याण इसका 2 0 0 0 2 0, और ये साहब इसका आंसर आ गया, मक्खन की तरह देखिए निकल आया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए, और ये सवाल तो था ही सरल, सब कुछ सरल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और दिमाग में भी इसको रखें, 1 2 3 कुछ ना कुछ मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत आसान, प्रॉपर्टी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं ले लेता हूं पेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर फटाफट पहचान लेते हैं, देन द वैल्यू ऑफ एडजुएंट ए, देखिए उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो हमको निकालना है एडजुएंट ए, आप समझदार हैं, और एडजुएंट ए को निकालने का एक तो सीधा तरीका है, और दूसरी बाई प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, आप बात पकड़ पा रहे होंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, फिर बताऊंगा कितना आ रहा है, 2020 में पूछा गया सवाल है, तो इसका डिटर्मिनेंट अब निकालने गए, तो यहां पे लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट खोल रहा हूं, तो -2 से खोलोगे तो रो और कॉलम खत्म, -2 × -2 यानी 4 -0, एक वैल्यू ये मिल जाएगी, 0 0 है तो बाकी कहानी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगी। तो यहां पर वैल्यू कितनी मिली, आप समझदार हैं, -8 बड़े प्यार से लिख सकते हैं, क्या बात। अब यहां पर हमको चाहिए n कितना था बच्चों बताओ, तो दिख रहा है भाई 3 था, इस सवाल के अनुसार हमारा n कितना था, 3, तो इसके हिसाब से ये हमारी कहानी बन जाएगी 3 - 1 विट इज डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -8 है, मॉडुलस मत समझना, डिटर्मिनेंट होता है ये, -8 लिखा और स्क्वायर लगाया, वैल्यू आ गई 64, और ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है।
तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बहुत प्यारा सवाल, विद डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 9, बहुत सरल है, देन राइट द वैल्यू ऑफ 2 इनटू, वही प्रॉपर्टी बेस्ड है, जैसे आप जीत जाएं। चलो साहब, मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, कि के इंटू एडजुएंट ए अगर कहीं लिखा हो तो उसे आप क्या लिखते हैं, के की पावर एन, और साथ में एडजुएंट की तरह इसको हटाना होगा, ये कुछ चक्कर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, आराम से अगर करूं तो बड़ा मिलना चाहिए लेकिन नहीं होता। खैर, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ये इसकी प्रॉपर्टी है, एन इज द ऑर्डर, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, बाकी मैंने बताया था आपको, तो वो आप प्रॉपर्टी जो लिखाई थी उसको पकड़ के रखिए। अब यहां पर इस सवाल के अनुसार ये वैल्यू आ जाती है, देखिए के की वैल्यू 2 है, 2 लिखा है और एडजुएंट ए लिखा है, अब मैं ये के की जगह 2 है तो 2 की पावर हो गई एन, और साथ में डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, हम जान रहे हैं यहां एन की वैल्यू कितनी है, 3, ये बोल रखा है यहां ऑर्डर 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए की पावर 3 माइनस 1, यानी 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए की पावर का मतलब स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, बहुत प्यार से निकल आएगा, तो दे ही रखा है, निकालना क्या है, तो 9 हो गया। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए 2 का क्यूब इंटू 9 का स्क्वायर, तो ये 2 का क्यूब हो जाता है 8, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 648, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए इस तरह से बड़े प्यार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 भी इस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, और बिल्कुल पक्की तौर पर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए क्या है। तो अगले सवाल को हम लोग स्लाइड लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और इसको देखते हैं, फाइंड ए बी का इनवर्स इफ ए दे रखा है, बी इनवर्स दे रखा है। अब आपको पहली शर्त ये मालूम होना चाहिए कि ए बी का जब आप इनवर्स निकालते हैं तो यहां ओपन करके जो वैल्यू लिखते हैं वो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं। फॉर्मूला समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ये फंडा फैक्ट फॉर्मूला आपके जहन में या दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप, हमारे पास बी इनवर्स तो है लेकिन ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स अब निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मालूम होगा आपको, तो ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजुएंट ए, ये निकालने का तरीका है। अब आपको यह पता होना चाहिए एडजुएंट ए कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें एडजुएंट ए निकालना बहुत सरल है। जब 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो आपको मालूम है कि इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इस वाले क्रॉस डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, और इस वाले डायगोनल को साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज साइन। ये कब, जब ये 2x2 क्यू, 3x3 में ऐसा मत करना, तो निकालने का प्रोसेस है पूरा। तो ये 1x2 लिखा है, तो मैं अगर यहां पे एडजुएंट ए लिखूं तो मैं क्या करूंगा, 1x2 की अदला बदली, तो 2 ऊपर 1 नीचे, ये अदला बदली मैंने कर दी, और इसका साइन चेंज, 0 की जगह माइनस लगाओगे तो भी 0, माइनस 4 की जगह प्लस 4, तो ये इसका एडजुएंट आ गया, अगर आप देख पाए 2041, बात समझ में आई होगी, फटाफट निकल आता है। अब डिटरमिनेंट ए का जिक्र भी यही कर लेते हैं। अब ये डिटरमिनेंट ए की बात करें तो 10 माइनस 4 2 है, सिंपली 2 इंटू 2, फिर वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, डिटरमिनेंट ए की 2, तो ए इनवर्स कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन 2 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजुएंट ए जो कि है 2041। ये वैल्यू देखिए आपके सामने बनी, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो फ्रैक्शन वगैरह में आएगा, तो मल्टीप्लाई करने में बाद में दिक्कत होगी, जब मल्टीप्लाई ही करना तो बाद में कर लेंगे। ठीक, अब यहां पर इस वाली की चर्चा करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा फर्क मालूम होना चाहिए। तो हमको ए बी का माइनस वन, यानी बी की पावर माइनस वन, ए की पावर माइनस वन, बी की पावर माइनस वन दे रखा है, और साथ में चलिए मैं लिख देता हूं जैसा है, कंफ्यूजन एकदम नहीं, 3152,
और साथ में ए इनवर्स यानी 1/2 इसे इंटू करेंगे तो 1/2 और ये वैल्यू हो गई 2041। मेरे ख्याल से बात को आप पकड़ पाए होंगे। अब हाफ स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप आगे ले सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। कलर को फिर से बदलते हैं तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लिया और ये बन गया 3152041। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आप हाथ में ले लीजिए। रो इंटू कॉलम चलना है तो 3 × 2 यानी 6, आप समझ पा रहे हैं, प्लस 1 × 4 10 आ जाएगा। फिर रो इंटू कॉलम चलना है तो 3 × 0 प्लस 1 × 1, फिर यहां चलो रो इंटू कॉलम तो 5 × 2 प्लस 2 × 4, यहां चलो रो इंटू कॉलम तो 5 × 0 प्लस 2 × 1। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, फिर से कलर चेंज करता हूं, अब यहां आ जाता हूं 1/2, ऊपर वैल्यू हो गई 10, यहां वैल्यू हो गई बेटा 1, यहां हो गई 10 और 8 18, यहां हो गई केवल 2। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल बराबर है, आंसर आपका ये आ चुका है। और अगर आप चाहें इसको ऐसे लिखना तो भी कोई परेशानी नहीं, इतने समझदार तो आप वहीं 2 से डिवाइड, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5 9 1/2 और ये रहा 1। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, जो मन चाहे लिख दीजिए, पूरे नंबर दोनों में मिलने वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत आसान है, देखिए प्यार से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 में आया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, ये एक मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जावे। तो आपको मालूम ही होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स, आप किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, वो सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी। अब इसकी चर्चा करते हैं, इसके डिटरमिनेंट को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो 2 रखा, x प्लस 1, 2x, x और x माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर। ओपन कर दीजिए तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स और ये रहा 2x इज इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 देखिए, 2 कॉमन है तो उड़ जाएगा, 2 की चिंता छोड़ दीजिए, डिवाइड कर दिया 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, ये बचा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहां से क्लियर कट हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। बस सवाल खत्म, यही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान ये भी, 2015 में पूछा गया सवाल है और देखिए इसको सॉल्व करता हूं। लिखा फाइंड द एडजोइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है 3x3 की एंड हैंस शो दैट, हमको ये ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, बड़े प्रेमी सवाल हैं ये हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। खैर सवाल को करते हैं हम लोग, हमें ये शो करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, उसकी बात खत्म हो जाए फिर आगे लगाएंगे, इसकी चर्चा ए इंटू एडजोइंट ए करेंगे फिर हम लोग, वेरीफाई करना शो करना है। तो डिटर्मिनेंट ए की बात करते हैं, अब इसी के डिटर्मिनेंट को कि यही छापेंगे तो मैं सेम नहीं लिख रहा हूं, सीधे ओपन कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग बाई रो 1, ये आप लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में, एक्सपेंडिंग बाई रो 1 या थ्रू रो 1, जो भी लिखना हो जिससे कि आपका एग्जामिनर आपके साथ रहे। अब ये माइनस 1 लिखा और रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 1 × 1 1 और ये रहा एक माइनस का साइन, माइनस दो होता है प्लस 4 और माइनस पहले से था, ये काम हो गया। यहां आ जाओ, माइनस साइन पहले से एक और आ जाएगा, अब रो और कॉलम गया 2 × 1 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस 2
और रो और कॉलम छोड़ा, माइनस टू इंटू टू विच इज माइनस फोर, और फिर रहा माइनस टू। अब देखिए क्या वैल्यू बनी यहाँ पर। अब यहाँ पे वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री प्लस, यानी प्लस का थ्री, यहाँ आ जाओ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना, छः दो बारह, और यहाँ पे आ जाइए तो ये रहा माइनस सिक्स, और अगेन माइनस टू प्लस ट्वेल्व अगेन, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, बारह बारह चौबीस तीन सत्ताईस, 27 ये वैल्यू बन गई। आंसर नहीं है ये 27 इसकी वैल्यू है, इसको आप हटा दीजिए। तो 27 ये आ गया डिटर्मिनेंट ए। अब आगे की चर्चा करते हैं। इसके अंदर हमें निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर। आपको मालूम होगा, कलर मैं रेड ले लेता हूँ, आपको मालूम है पहले मैं इसके कोफैक्टर लिखूंगा, और कोफैक्टर से बनी हुई उसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट ए होगा। आपको अंदाजा होगा कि अगर मुझे कहीं एडजॉइंट ए लिखना है तो जो कोफैक्टर से बनी बनी हमारी मैट्रिक्स होती है उसका हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं तो वो एडजॉइंट ए के बराबर होता है। तो मैं कोफैक्टर्स लिख रहा हूं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर की बात करूं तो ए वन वन या सी वन वन, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, ए वन वन एनसीईआरटी में दिया है, सी वन वन भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन का कोफैक्टर की बातचीत चल रही है, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, साइन तो प्लस ही होता है पहले वाले का, तो वन इंटू वन माइनस, समझ पा रहे होंगे, मैं एक करके दिखा दूं शायद अगर भूल भाल ना गया हूं। ए वन वन की बात करें तो ये पॉजिटिव इन नेचर रहता है, यानी माइनस वन की पावर वन प्लस वन, ऐसे लिखते ना रो कॉलम का सम, और प्रैक्टिस होगी तो फटाफट कर लेंगे। और बची हुई मैट्रिक्स ये बचा हुआ डिटरमिनेंट रो कॉलम छोड़ के वन माइनस टू माइनस टू वन, इस ये इसका कोफैक्टर है ऊपर वाले का ए वन वन का, तो ये वैल्यू हो गई प्लस, छोड़ दीजिए वन इंटू वन वन, और साथ में हो गया माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। इस तरीके से ए वन वन का कोफैक्टर माइनस थ्री आया। मैं ए टू टू का भी निकाल देता हूँ, जिससे कि ए वन टू का भी निकाल देता हूँ, जिससे आप बात याद कर लें, ये ताजा हो जाए रिवीजन। माइनस वन की पावर रो प्लस कॉलम एक प्लस दो, फिर डिटरमिनेंट लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूं नहीं तो लिखने में दिक्कत आ रही है। अब ये आ गए, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, टू माइनस टू टू माइनस टू, और फिर रहा दो और एक, इससे जाने वाला रो और कॉलम छोड़ दीजिए, दो माइनस दो दो एक, दो माइनस दो दो एक, इस तरीके से कर लीजिए। ये वैल्यू हो गई माइनस वन, पावर थ्री है ना ऊपर, और ये हो गया टू माइनस, और एक माइनस पहले से था तो प्लस फोर हो गया, तो यहां पर वैल्यू बेटो कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई इसकी माइनस सिक्स। मुझे उम्मीद है बाकी भी आप निकाल लेंगे, वो मैं लिख देता हूं खटाखट। तो ए वन थ्री की बात करिए, इसकी बात कर रहे हैं माइनस टू, माइनस टू की, ये भी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स। इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां कहीं भी लिख देना चाहिए मुझे जगह बनाते हुए, थोड़ा और छोटा करेंगे तो दिखेगा नहीं। तो ए टू वन लिख देता हूं, ए टू वन का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस दो का कोफैक्टर ले रहे हैं जो कि सिक्स आ जाएगा आप जब निकालेंगे। फिर ए टू टू की बारी आएगी, ए टू टू सेकंड रो सेकंड कॉलम तीन आ जाएगा, फिर आप देखेंगे तो ए टू थ्री सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस टू की बात करेंगे, ये वैल्यू माइनस सिक्स आ जाएगी। और इसी तरह ए थ्री वन की बात करें अगर हम लोग थ्री वन, मैं इसको और छोटा करता हूं बेटा, जिससे कि आपको दिखाई भी पड़े और लिखते भी बने। ए थ्री वन का जिक्र किया जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इस टू का निकाल रहे हैं, छः आ जाएगा। ए थ्री टू की बात करें, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस टू की बात करें तो माइनस सिक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से ए थ्री थ्री की बात करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम वन की बात करोगे तो वैल्यू आ जाएगी तीन। आप इसी तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिख देंगे हम लोग। तो अब हमारा जो एडजॉइंट ए आएगा, एडजॉइंट ए, ये जो ए वन ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ऐसे था, इसको ट्रांसपोज करते हो तो रो को कॉलम में लिख देते हो। खैर मैं एक बार लिख देता हूं जिससे आप बिल्कुल क्लैरिटी पकड़ ले। माइनस थ्री
ये वैल्यू थी माइनस सिक्स और ये वैल्यू थी माइनस सिक्स। फिर यहाँ आ जाओ 8-2-1 वाली सीरीज में, तो 6-3 माइनस 6 और फिर लास्ट वाली में 6 माइनस 6 और 3, इसका हमको लिखना है ट्रांसपोज। ये एडजुवेंट का मतलब है। कलर को चेंज कर लेते हैं या यहीं लिख दो। अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, -3 -6 -6 रो कॉलम में चला गया। फिर इस सेकंड रो को लिखो 3 6 -6 6 -6 और 3। ये देखिए आपका माइनस, कॉलम वाइज बात करें तो -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3, ये वैल्यू हो गई। ये एडजुएंट ए आ चुका है, आपको निकालना है ए इंटू एडजुएंट ए, जो सवाल में वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था। ए जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ऊपर से अगर आप बातचीत करें तो ए मैट्रिक्स थी, ये देखिए -1 -2 -2 2-1 -2, तो यहां पर ये वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, -1 -2 -2 जो मैट्रिक्स गिवन थी, 2-1 -2 फिर 2-2-1, ये मैट्रिक्स हो गई ए। -1 -2 -2 2-1 -2 2-2-1 और फिर अगली वाली ये मैट्रिक्स, तो ये वैल्यू हो गई -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और देख लेना वैल्यू क्या आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो इनटू कॉलम चल पड़िए देखे, तो रो इनटू कॉलम का मतलब -1 इनटू -3 ब्रैकेट लगा लेना चाहिए था, खैर, प्लस फिर रो इनटू कॉलम -2 इनटू 6 प्लस -2 इनटू -6, एक लिख रहा हूं, बाकी सीधे डायरेक्ट लिखूंगा वरना काफी लंबाई चौड़ाई करनी पड़ जाएगी। यहां पे चलते हैं, रो इंटू कॉलम हो गया, अब रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो -2 इंटू 1 यानी -6 -2 इंटू 3 यानी फिर से -6 2 इंटू 12, तो यहां वैल्यू मिल गई 0, यहां भी मिल जाएगी 0। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं, आ जाएगा 0 27 0, नीचे मल्टीप्लीकेशन डालेंगे तो 0 0 27, ये वैल्यू आ रही है आपकी मैट्रिक्स भी। और यहां जो मैट्रिक्स आई, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यहां से 12 12 24 और 3 27, तो 27 0 0 0 27 0 0 0 27, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसको आप लिखना चाहें, लिखना क्या चाहें, तो 27 बाहर ले सकते हैं, ये हो गया 27 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी। 27 क्या था, 27 हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी। देखिए ये 27 जो निकाला था हम लोगों ने, ये देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 27 आई थी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इस वैल्यू को 27 की जगह डिटर्मिनेंट ए, और ये थर्ड ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है। ये प्रूव हो गया, ये किसके बराबर है, ए इंटू एडजुएंट ए के बराबर। ये वेरीफाई करना था, ये ए इंटू एडजुएंट ए निकाला और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 के बराबर आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड या शोड जो भी बोलो, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से सवाल किया जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लें, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में 100% आपको आते जाते रहेंगे। तो यहां पर ये इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो बेटा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये सवाल आपका खत्म हो गया। इस तरीके से इसको कर सकते हैं बेटा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, आइए करते हैं अगला सवाल। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2020 में ये पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया सवाल है, और ये ऐसे सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, आप मान के अगर चलें तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैट्रिक्स में। ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, इक्वेशन को सॉल्व करने का हिसाब किताब। खैर सवाल को करना शुरू करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड ए इनवर्स, हमको ए इनवर्स निकालना होगा, निकालेंगे।
एंड यूज इट टू सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना है। आपको ये पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजुएंट ए हम लोग करते हैं, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला काम होगा इसके डिटर्मिनेंट ए को चेक करना कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहीं पे मैं इसको ओपन करता हूँ, स्पेंडिंग बाय रो वन, बाय रो वन लिखता हूँ, आप लिख लीजिएगा पूरा। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, वन लिखा ब्रैकेट में, टू इंटू वन टू, और माइनस माइनस फिर माइनस आ जाएगा माइनस टू, तो ये तो वैल्यू हो गई जीरो, बात पकड़ पाए होंगे। फिर आगे चलिए, ये आ जाएगा माइनस टू, रो और कॉलम छोड़ दीजिए तीन, और माइनस माइनस प्लस। फिर अगले में चलिए तो आ गया माइनस तीन, एक्सपैंड करना आपको आता होगा उम्मीद कर रहे हैं, माइनस तीन और माइनस चार, ये वैल्यू हो गई जीरो, चार तीन सात, ये हो गई माइनस फोर्टीन, और यहाँ चार तीन सात माइनस, ये प्लस आ जाएगा, दिस इज प्लस 21, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी सेवन। ये सेवन वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए कर सकते हैं, देयरफोर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये चेक करना जरूरी होता है, एग्जामिनेशन में ये भी करेंगे तो इसके भी नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सात के बराबर, दिमाग में रखना होगा। अब दूसरी बात, एडजोइंट ए निकालना है, तो एडजोइंट ए निकालने के लिए इससे कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ इधर और कोफैक्टर लिखूंगा, वो कोफैक्टर पिछली बार निकाले थे, तो उम्मीद करते हैं आप आराम से उसको निकाल लेंगे। मैं थोड़ा और शिफ्टिंग में ले जा रहा हूँ, यहाँ तक दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं कोफैक्टर लिखता हूँ, देखिए जब मैं लिखूंगा ए वन वन यहाँ पर, फिर लिखूंगा ए वन टू ए वन थ्री, और फिर मैं फिगर को थोड़ा सा बदल मैं लिख ही देता हूँ, चलिए इसको पहले ए वन वन की बात की जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए वन वन अगर आप देखेंगे तो मिलेगा जीरो, आप कैलकुलेट कर लीजिए, टू वन जा टू, माइनस माइनस जीरो, ये वैल्यू आ गई जीरो। इसी तरीके से अगर आप ए वन टू की बात करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की, तो वैल्यू होगी माइनस सेवन। इसी तरीके से बात करेंगे अगर ये फर्स्ट टू थर्ड वाले की, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस सेवन अगेन। तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन। अब ए टू वन इसकी बात करिए थ्री की, ए टू वन इस थ्री की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो नहीं वन हो जाएगी, ये इसको पकड़िए, इसका कोफैक्टर लीजिए, ये और ये खत्म हो जाएगा, टू वन जा टू, और यहां पे बात लेंगे तो आ जाएगा प्लस थ्री, माइनस थ्री, तो ये बन जाएगी माइनस वन वैल्यू, और ये माइनस पहले से लगा था तो प्लस वन हो गई। तो इसी तरीके से ए टू टू निकालिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी सेवन, ए टू थ्री निकालेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव, और लिख देते हैं ए थ्री वन की बात करेंगे तो ए थ्री वन हो जाएगा टू, ए थ्री टू की बात करेंगे तो माइनस सेवन, और ए थ्री थ्री की बात करेंगे तो माइनस फोर। ये जो कोफैक्टर लिखे हुए हैं ये आप निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक नहीं। कैसे निकालना आप जानते ही हैं, ये सारी वैल्यू निकाल ली, अब इसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे तो एडजोइंट ए मिल जाएगा। यानी अगर मैं इसका एडजोइंट ए लिखूं तो इसी का ट्रांसपोज करके लिखूंगा, यानी ए वन ऐसे लिखा था तो इसको खड़ा खड़ा डाल देना है, जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन, फिर वन सेवन फाइव, फिर इसके बाद ये टू माइनस सेवन और माइनस फोर, ये देखिए हमें एडजोइंट ए मिल गया है। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था ये तो डिटरमिनेंट सेवन था, इसको और शिफ्ट करते हैं हम लोग इधर, चलिए ऐसे पहुंचा देते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजोइंट ए, और ये वैल्यू थी 1 अपॉन 7, डिटर्मिनेंट निकाला था, और साथ में ये जो वैल्यू दिख रही है इसकी वैल्यू मैं वहां पर लिख देता हूं, तो ये हो गई साहब कितनी, जीरो वन टू
माइन अभी हट जाऊंगा, सामने हूं इस समय, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, माइनस सेवन, माइनस सेवन, फाइव, माइनस फोर, ये देखिए ये वैल्यू बनती है, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है, जीरो माइन आपके सामने, आप इसको रीड आउट आराम से कर सकते हैं, ये इनवर्स निकल आया है। अब हम लोग को पहुंचना होगा अपनी जो इक्वेशन थी वहां पर, तो इक्वेशन आप पीछे थी काफ़ी, मैं दोबारा लिख देता हूं जिससे कि बात पकड़ में आए, और इसको ऐसे लेके चले फिर इसके नीचे चलेंगे। अब देखिए हमारे हाथ में जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन दे रखी थी, यहां लिखते हैं इसके नीचे काम करेंगे, x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स, फिर थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू थ्री, फिर टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, ये तीन इक्वेशन थी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हुए, तो ए को लिख देते हैं इसके कोफिशियंट के रूप में, वन टू माइनस थ्री, तो यहां पर मैं डालता हूं वन टू माइनस थ्री, थ्री टू माइनस टू, थ्री टू माइनस टू, फिर दो माइनस वन वन, ये तो वैल्यू हो गई ए की, ये मैट्रिक्स ए है। फिर एक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल में जानते हैं कॉलम वाइज बनाते थे हम लोग, एक्स वाई जेड, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ जो कोफिशंट्स लिखे हैं कॉलम वाइज वो भी छः तीन दो, ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हिसाब किताब बन गया है हमारा। अब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता था, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है, तो एक्स की वैल्यू हुआ करती थी ए इनवर्स बी, ये इसका सोल्यूशन था। इनवर्स ऊपर से निकाला है तो यहां एक्स की मैं बात करूं, अगर छोटा छोटा लिखता हूं एक्स वाई जेड, जो कि हमारा है क्या एक्स, ए इनवर्स का जिक्र करेंगे, दिस इज ए इनवर्स, वन अपॉन सेवन जीरो वन टू माइनस सेवन, सेवन माइनस सेवन, फिर माइनस सेवन, फाइव माइनस फोर, ये रहा वैल्यू ए इनवर्स की। रही बात बी की, तो बी यहां पर क्या है, बी इज दिस वन, छ तीन दो, ये रहा छ तीन दो। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं जिसे साफ तौर पे आप देख सकें, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड, अब ये 1 बाई सेवन करके जो वैल्यू लिखी है 1 बाई सेवन को बाहर ही रखो, और यहां आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए रो बाई कॉलम, तो 0 इंटू छः जीरो, प्लस करोगे 3 और 4, ये वैल्यू हो जाएगी 7, देख पा रहे होंगे। दूसरी रो इंटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 छः बयालीस माइनस 42, फिर 7 तरह की 21, माइनस का 21 बचा, 7 दो 14, माइनस का फिर 21 बचा, कुछ गड़बड़ कर दी लगता है, 7 इंटू छः बयालीस, 7 तरह की 21 चौदह, तो ये वैल्यू कितनी बची 35, छ तीन दो है तो सही, तो माइनस सात छ बयालीस, फिर सात त्रिक 21 प्लस का, और फिर 14 माइनस का, ये वैल्यू आ रही है। तो ये 21 से करोगे तो इस 14 बचेगी प्लस की, 14 इसमें से एक सात बचेगा, सात घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस की, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 35। अगली बात लेके चलें तो ये हो जाएगा 7 सिक्स जा माइनस 42 प्लस 15 माइनस 8, 15 में से गया 8 7, फिर से आ गया माइनस 35, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 35। अब 7 से मार दो डिवाइड, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस 5 और माइनस 5, आप देख पा रहे होंगे। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप बहुत आराम से कह सकते हो कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 5 और z की वैल्यू माइनस 5 ही आएगी, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं ऊपर से थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे ख्याल से ऐसे शिफ्टिंग की गई है, तो पहले तो ये सवाल के रूप में ये देखिए बेटा, पहला इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको मैं ऊपर ले जाता हूं और यहां तक लाता हूं, ये आप इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लें। ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते ही हैं। बहुत ही सिंपल वर्जन आने वाला है इस बार, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा दिमाग लगाइए, पूरे नंबर ले जाइए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आओ चलें। तो बच्चों इक्वेशन वाला एक सवाल और करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आता ही है। देखिए दो तीन बार आया हुआ सवाल है, 2012, 2018, 2020 कुछ भी नहीं है, जो भी किया था वही सवाल है। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना होता है, ये देखने के लिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए इधर पकड़ लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाई रो वन कर दो, तो रो वन से एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे 2-4 और यहां लिखोगे +4, तो पहला तो हो गया साहब 0। अगले में आ जाओ, -3 हो जाएगा यहां, रो और कॉलम -2 × 6 और +4, और तीसरी की बात करोगे +5, तो रो कॉलम 3 × 3 − 2, तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 − 6 और ये एक बचा +5, तो यहां पर दिखाई पड़ रही है वैल्यू कितनी है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये जरूर लिख दीजिएगा, इसी के आधे एक नंबर आपके हो जाएंगे। तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, साथ में ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 के बराबर है, ये हमें समझ में आ गया। अब आपको पता ही था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1 upon डिटर्मिनेंट ए into एडजुएंट ए से कहानी बनने वाली है। तो हमें एडजुएंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर लिखने का समय आ चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा चलिए लिखता हूं। अब इसकी कोफैक्टर निकालिएगा तो आ जाएगा a11 a12 a13। तो मैं लिख देता हूं, कोफैक्टर आप निकाल ही लेंगे। तो a11 की वैल्यू हो जाएगी 0, a12 की वैल्यू आप बात करें तो 2 हो जाएगी, a13 1, फिर बात करते हैं आगे 13 के बाद आप a21 a22 a23 की बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 की वैल्यू आप, A21 का मतलब है सेकंड रो का पहला कॉलम का, तो -1 और ये वैल्यू हो जाएगी -9 और A2 सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी -5। इसको आप कैलकुलेट करना होगा, इसको ये मैं एक एक कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये आप कर ही लेंगे को फैक्टर निकालना। अब इसके बाद A31 की बात की जाए, A32 की बात की जाए, A33 की बात की जाए, ये थोड़ा अभी मैं ऊपर कर दूंगा, तो A31 की वैल्यू होगी 2, A32 की वैल्यू होगी 23 और फिर होगी इसकी 13। तो इसको मैं अब लेके आता हूं, यहां लेके पहुंच जाता हूं। अब इससे को फैक्टर से जो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बनाऊंगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब एडजुएंट ए में जब लिखना होगा तो ऐसे लिखने के लिए का ट्रांसपोज लिख देता हूं, 2 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, ये सब एडजुएंट ए हमारा निकल आया है। अब ए इनवर्स निकालने की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट ए -1 था, तो यहीं पे बात कर लें, अगर a इनवर्स की वैल्यू 1 upon डिटर्मिनेंट ए into एडजुएंट ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर समझ तो पा रहे हो ना, यहां जाकर लिख दो एक बार -1 और फिर ये वैल्यू हो गई 0 − 1 2 2 − 9 23 1 − 5 13। ये बात आप देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 − 2 − 2 9 − 23 और -1 + 5 − 13। ये आपका ए इनवर्स पहला पार्ट की ए इनवर्स निकालिए, आप ये ए इनवर्स निकाल पाए हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे जो इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो इक्वेशन तो ऊपर जा चुकी है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लिखता हूँ दोबारा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और जो इक्वेशंस थी हमारे पास वो इक्वेशन लिखिए आप, थी 2x - 3y 2x - 3y + 5z
इज इक्वल टू 11, दूसरी थी 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5, ये वैल्यू दो वैल्यू थी, तीसरी की x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, ये तीन इक्वेशंस हमारे पास थी, 1 2 3 नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार इसको लेके ही हैं, नोट कर लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5, तो x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको जिस फॉर्मेट में लिखना है वो आप जानते ही हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी में लिखना है। अगर इसको मैं ए एक्स प्लस बी में लिखूं तो मैं लिखना चाहूंगा 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 और x की जगह x y z जैसा आप पहचानते हैं, और इक्वल टू में b यानी ये जो कॉफिश वैल्यूज रहती हैं इसको आप लिख देते हैं, तो ये वैल्यूज हो गई 11 माइनस 5 और माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। आपको मालूम ही है अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ a इनवर्स एग्जिस्ट, तो हमारे सॉल्यूशन के तौर पर x की वैल्यू हुआ करती है a इनवर्स b। ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं ऊपर से, तो यहां पर अगर बात की जाए, थोड़ा सा ऊपर और ले जाऊंगा, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू यानी x x y z जो कि x ही है, दिस इज कैपिटल x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स ये वैल्यू है 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13, और इससे b को मल्टीप्लाई कर दीजिए, b थी हमारी ये मैट्रिक्स 11 माइनस 5 और माइनस 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे x y z, तो यहां पर देखिए 0 इंटू 11 0 हो गया माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस का 9 आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 प्लस का, तो बचेगी वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। दूसरी में माइनस 2 में चलेंगे तो माइनस 22 माइनस 45, माइनस 22 करेंगे फिर आ जाएगा माइनस 45 और प्लस का 3 इंटू 23 तो 69, अभी 45 20 60 67 दो वैल्यू बचेगी, आंसर 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। तीसरे वाले को पकड़ेंगे माइनस इंटू 11 माइनस 11 फिर माइनस 25 और प्लस का 39, 25 और 10 35 36 जी बचेगा 3, तो ये प्लस का आ गया 3। अब यहां से सॉल्व हो गया, x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई बेटा 3, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है, आप जरूर इसको करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से पढ़िए, सवाल हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है शॉपकीपर है 3 वेराइटीज ऑफ पेन, तीन वेराइटीज है उसके पास, ए बी एंड सी, तीन वेराइटी के उसके पास साफ पेन है, ऐसे लिख लो। मीनू परचेज वन पेन ऑफ ईच वेराइटी फॉर ए टोटल ऑफ 21 रुपीज, ठीक है, सबका एक एक खरीदा है इसने, ठीक है। जीवन परचेज फोर पेन्स ऑफ ए वेराइटी थ्री पेन्स ऑफ ए वेराइटी थ्री पेन्स ऑफ बी एंड टू पेन्स ऑफ सी रुपीज 60, और इसी तरह शिखा ने करीजा 6 पेन ए का, 2 पेन बी का और 3 पेन सी का वेराइटी ऑफ 70 रुपीज टोटल, मतलब यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन, हर वैरायटी का, तो कॉस्ट मान लेते हैं यहां पर एक्स है ए की, वाई है और जेड है सी का, कॉस्ट है ये पर यूनिट पेन। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, पहली वाली पढ़ते हैं, मीनू परचेज्ड वन पेन ऑफ ईच वैरायटी टोटल कॉस्ट 21, तो मीनू के लिए हमारा इक्वेशन क्या बना, एक पेन खरीदा तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर 21 रुपीज, एक पेन है ना, एक की कॉस्ट एक्स है और एक पेन लिया है, तो टोटल कॉस्ट दिस वन, वाई
कॉस्ट है और कितने पेन लिए, एक, तो टोटल कॉस्ट वाई वैरायटी बी की दिस वन, इसी तरह इसकी दिस वन, इसका टू 21, ये टोटल टोटल पैसा हो गया। ये टोटल क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ वैरायटी सी। तो ये पहली इक्वेशन इसकी बन गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 21। बात समझ में आई होगी। उसके बाद कौन सी लड़की थी, या लड़का था, जीवन थे। तो जीवन ने क्या किया, कलर बदल लेता हूं जीवन के लिए। तो जीवन साहब ने क्या किया, इन्होंने कैसा कैसा पेन खरीदा, ये चार पेन वैरायटी ए के लिए, तो 4 × x टोटल कॉस्ट ऑफ वैरायटी ए, चार पेन थे, एक का कॉस्ट एक्स था, 4 × x, प्लस 3 पेन बी के, उसके बाद 2 पेन सी के, और क्या कहानी हुई, 2 पेन ऑफ सी वैरायटी, ये 60 रुपए के टोटल। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रही है। तीसरी इक्वेशन का जिक्र करते हैं, उसका भी कलर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, यहां लिख देता हूं। अब तीसरी की बात करता हूं, कौन खिलाड़ी है, शिखा जी हैं। तो शिखा परचेज 6 पेन्स ऑफ वैरायटी ए, 2 पेन्स ऑफ वैरायटी बी एंड 3 पेन्स ऑफ वैरायटी सी, और कितना कॉस्टिंग आई, 70 रुपीज। यूजिंग मैट्रिक्स, अब इसको सॉल्व करना, ये तीन इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन एक साथ में लिख लेता हूं थोड़ा ऊपर करके। बस ये पहला स्टेप हो गया इक्वेशन को फाइंड फॉर्म करना, फिर सॉल्व करना तो जान ही रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21, दूसरी थी 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60, फिर तीसरी है 6x + 2y + 3z इज इक्वल टू 70। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद इसका पहला चरण कंप्लीट हो गया है, मतलब इक्वेशन फॉर्मिंग का, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशंस। अब ये कहानी ax इज इक्वल टू b वाली है। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट के हालचाल क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये तरीका अपना पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट a की बात करते हैं, पहले मैं एक्स इक्वल टू बी लिख दूं, पहले आपके लिए यहीं पे लिख लो। अब इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू बी की मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी बेटा, 1 1 1 4 3 2 6 2 3, और ये हो गई एक्स वाई जेड, और बी की जगह हो गया 21 60, और ये रहा 70। ये पूरी मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है, ये आप पहचानते हैं। अभी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए यही निकालते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए आप निकालेंगे यहां पर, तो रो वाइज खोल दीजिए जैसा खोलते आ रहे हैं, 1 से 3 × 3 9 - 4, फिर -1 आ गया, रो और कॉलम 12 - 12, इसकी कहानी खत्म। 1 पकड़ लीजिए, रो कॉलम 8 - 18, तो ये देखिए वैल्यू कितनी हुई, ये वैल्यू हो गई 5, अगली वाली तो हो गई 0 बेटा, और ये हो गई कितनी, -10, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, -5, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखिएगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये स्टेप लिखने पे ही आपके एक नंबर कहीं नहीं जाते। अब ये हो जाने के बाद इसके कोफैक्टर लिखने की प्रक्रिया वही और इसके बनने वाला तरीका, तो यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसको यहां पहुंचाता हूं। इसके कोफैक्टर मेंशन कर लीजिए, a11 a12 a13, तो A11 निकालेंगे यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 5, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का निकालेंगे तो -10 आ जाएगी। को फैक्टर निकालना बहुत आसान है, सपोज A13 निकाल रहे हैं इसका, रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 × 2 = 8 8 - 16 - 10, ये प्लस का रहता ही इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे तो आराम से निकल आएगा। फिर रही बात A21 की A22 की A23 की, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। जैसे A21 आया तो 21 ये 4 है, रो और कॉलम छोड़ दो, 3 1 = 3 - 2 1 आ गया आंसर। देखिए
ये सॉरी ये माइनस भी आएगा यहां पर, तो ये जो ए टू वन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को फैक्टर में एक माइनस एडिशनल है और थ्री वन या थ्री माइनस टू तो माइनस वन आंसर आ जाएगा। तो ये रहा माइनस वन, इसका आ जाएगा माइनस थ्री और लास्ट वाले की बात करें तो आ जाएगा फोर। तो को फैक्टर आप लिख लीजिए, फिर लिखिए ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। ए थ्री वन का जिक्र करेंगे अगर आप तो ए थ्री वन का मतलब हो गया इस वाला टर्म, तो ये तो को फैक्टर में पॉजिटिव हो जाता है माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर पॉजिटिव। रो और कॉलम छोड़ दीजिए, टू इंटू वन माइनस थ्री तो माइनस वन आ गया इसका, तो इसको लिख दीजिए माइनस वन, इसका हो जाएगा थ्री टू का टू और लास्ट वाले की बात करें तो रो कॉलम छोड़ दो थ्री माइनस वन विच इज अगेन इक्वल टू माइनस वन। ये इसके को फैक्टर बन गए बेटा, को फैक्टर जरूर निकालिएगा। अब एडजोइंट ए की बात करते हैं, तो एडजोइंट ए की वैल्यू कितनी होगी को फैक्टर का ट्रांसपोज, ऐसे लिखे तो मैं खड़ा खड़ा लिख देता हूं, ये ट्रांसपोज ऑलरेडी हो गया, तो ये ट्रांसपोज करके वैल्यू लिखी जा रही है माइनस वन टू माइनस वन। ये देखिए एडजोइंट ए मिल गया। अब ए इनवर्स का जिक्र जब करोगे तो ए इनवर्स का मतलब था वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजोइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए आपने निकाला है माइनस फाइव, तो वन अपॉन माइनस फाइव और साथ में जो मैट्रिक्स है पांच माइनस वन जीरो माइनस थ्री टू माइनस टेन फोर माइनस वन, ये वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है। अब आप जानते हैं कि इनवर्स निकल आया है ए इनवर्स, और इस फॉर्मेट में अगर हमारा ब्लैक कलर लेता हूं, अगर हमारी इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखी रहती है तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी होती है। अब इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक्स की जगह लिख लेते हैं एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वैल्यू लिखी हुई है वन अपॉन माइनस फाइव और पांच माइनस वन जीरो माइनस तीन दो माइनस टेन फोर माइनस वन, और साथ में रही बात कौन सी बी, तो हमारी बी कौन सी मैट्रिक्स थी देख लेते हैं, जो कोफिशियंट वाली थी यहां पर बी थी 21 60 70, तो 21 60 70 लिख लेते हैं वहां पर, तो यहां पर वैल्यू लिख ली है उन्होंने 21 60 70, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, तो यहां पर आ जाते हैं वन अपॉन माइनस फाइव लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो फाइव इंटू टू 21 इंटू फाइव हो जाएगा 105, फिर माइनस 60 और माइनस 70, तो ये वैल्यू कितनी बच गई 105 में से 130 घटा दो तो माइनस 25 बचा, तो माइनस 25 यहाँ वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप ये करेंगे तो 0 इंटू 21 खत्म, माइनस 180 ये इसको मल्टीप्लाई माइनस 180 प्लस 140 तो कितना बचा बेटा 40 बचा माइनस का, इधर आ जाओ माइनस 10 210 240 तो बचा 30 और 70 तो माइनस 40 इधर भी आ गया, ये वैल्यू हो गई। अब माइनस 5 से कर दीजिए इसको डिवाइड अंदर, तो वैल्यू हो गई 5 8 8 और यहां पर वैल्यू क्या थी, दिस इज एक्स वाई जेड। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई बेटा 8 और z की वैल्यू हो गई 8 और ये आपका सॉल्व हो गया, 588 इज द आंसर कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन ऑफ वैरायटी ए बी सी, जो हमने माना था a बी और सी, ए वाले का हो गया 5, बी वाले का हो गया दिस वन और इसका हो गया दिस वन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो